Hello, my dear students. Today we are going to read our fourth chapter of Footprints Without Feet. And bete, the title of our lesson is A Question of Trust. Question means question and trust means faith. Means this lesson is about a question on faith. Yani ki vishwas ke upar hi prashn chin. We will read this lesson and get to know how it is and whom it is about. यानी कि किसके फेथ के ऊपर प्रश्न चिन्ह है वो हम ये लेसन पढ़ के समझेंगे. वेल गाइस, दिस लेसन इज रिटन बाय यस विक्टर कैनिंग एंड हियर इज आर राइटर विक्टर कैनिंग. यस एंड ही वाज बोर्न इन 1911 and he was a prolific British writer of novels and thrillers who flourished in 1950s, 1960s and 1970s. तो बेटे ये बहुत ही prolific, बहुत ही productive writer थे, काफ़ी कुछ लिखा है और ये British writer थे novels के और thrillers के, sensational dramas के, sensational stories के. और ख़ास तौर पे वो जो 1950s में, 60s और 70s, यानी कि इन थ्री डेकेड्स में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई, जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की थ्रिलर्स ने, नॉवेल्स ने, तो उसी एज के राइटर हैं ये और काफ़ी फेमस राइटर हैं. वेल नाउ वी आर गोइंग टू रीड आर लेसन एंड बिफोर वी रीड आर लेसन लेट अस नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द लेसन. यस हियर इट इज़ गिवन. इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ. बेसिकली क्या कहा जाता है कि यदि आपको एक चोर को पकड़ना है तो चोर को ही लगाना चाहिए. बट इट इज़ ऑल्सो सेड डैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स. ये भी कहा जाता है कि चोरों के बीच में आपस में एक ऑनर होता है, यानी कि एक चोर जो है वो दूसरे चोर को क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है. विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट. अब बेटे हमने ये स्टोरी को पढ़ के क्या जानना है कि कौन सी सेइंग यानी कि फर्स्ट बात जो है उसको सपोर्ट करती है हमारी स्टोरी, या फिर हमारी सेकंड पॉइंट को सपोर्ट करती है. विच सेइंग डज दिस स्टोरी इल्यूस्ट्रेट. इल्यूस्ट्रेट मीन्स उसके ऊपर प्रकाश डालना. कौन सी क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी सेइंग के ऊपर क्या करती है हमारी कहानी प्रकाश डालती है. मीन्स अबाउट विच सेइंग आर स्टोरी टॉक्स अबाउट. See, two questions are given here. We will read these first. What does Horace Danby like to collect? Horace Danby is the name of main character of our story. अब Horace Danby जो है वो क्या collect करना पसंद करते थे. Why does he steal every year? Means this person has a habit of stealing. इनको चुराने की habit है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ है जिसको वो हर साल चुराते हैं. Okay guys, now we are going to read our lesson line by line. See here bete. Yes. Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. Everyone. हर कोई क्या सोचता था कि Horace Danby जो है वो एक बहुत अच्छे, बहुत honest citizen है. He was about 50 years old and unmarried. And he lived with a housekeeper who worried over his health. अब ये कैसे हैं बेटे. नाउ हिज पर्सनैलिटी इज डिस्क्राइब्ड हियर. इनकी पर्सनैलिटी कैसी है. ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, लगभग 50 साल के हैं. एंड ही वॉज अनमैरिड, और इनकी शादी नहीं हो रखी, कुंवारे हैं. एंड यस एंड ही लिव्ड विद ए हाउसकीपर, और एक हाउसकीपर है इनका हु यूज्ड टू वरी अबाउट हिम ओवर हिज हेल्थ. जो क्या करता है इनकी हेल्थ को लेके काफ़ी वरीड रहते हैं, चिंतित रहते हैं. इनफैक्ट निसंदेह ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर. बेटे आमतौर पे Horace Danby जो है बिल्कुल फिट रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, सिवाय एक्सेप्ट क्या होता है, सिवाय कौन किसके अटैक्स आता है उनको हे फीवर का समर में. समर सीजन में उनको या तो डस्ट से, या फिर किसी तरीके के फ्लावर्स से, या फिर सीजनल जिस एलर्जी जिसको हम कहते हैं बेटे, तो वो उनको क्या रहती है, वो फीवर यानी कि वो एलर्जी रहती है उनको,
क्या उनको स्नीजिंग आती है, उनको इरिटेशन रहता है नोस्ट्रिल नोज पोर्शन में, आईज़ में, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटे, हे फीवर. वेल, ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स. उनका प्रोफेशन क्या है, क्या करते हैं वो लॉक्स बनाते हैं, यानी कि ताले बनाते हैं. एंड वो सक्सेसफुल इनफ, और बहुत सक्सेसफुल हैं अपने बिजनेस में, ऑलमोस्ट इतने सक्सेसफुल हैं कि ही कुड कीप टू हेल्पर्स. वो दो हेल्पर्स को रख सकते हैं. दो उन्होंने क्या रखे हुए हैं, अपने मदद करने के लिए दो पर्सन को क्या किया हुआ है, एम्प्लॉय किया हुआ है. वेल यस, हॉरेस डैनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल. हॉरेस डैनबी अच्छे भी हैं और इनके रिस्पेक्ट किए, रिस्पेक्ट भी है सोसाइटी में, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. लेकिन पूरी तरीके से क्या नहीं है, ईमानदार नहीं है. 15 years ago, 15 साल पहले, हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी. 15 साल पहले इन्होंने सर्व किया पहली बार और अकेली एक सेंटेंस, यानी कि पनिशमेंट. जब कानून से, कोर्ट से पनिशमेंट मिलती है, जेल में जाना पड़ता है, डैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस. इन अ प्रिजन, जेल में, जेल की लाइब्रेरी में 15 साल पहले ये एक बार सर्व करके आए हैं. ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. इनको किन चीज़ों से प्यार है, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. रेयर बहुत मुश्किल से जो मिलती हैं, डिफ़िकल्ट टू गेट, और एक्सपेंसिव कॉस्टली, महंगी किताबें, और जो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, ऐसी बुक्स से इनको प्यार है. सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर. तो इन्होंने क्या बना रखा है बेटे, ये अपना एक अपना लाइफ का एक हेम बना रखा है कि हर साल एक सेफ, सेफ तिजोरी को कहते हैं, उसको लूटेंगे. और ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू. हर साल वो प्लानिंग करते हैं कि व्हाट ही वुड डू, कि वो क्या करेंगे, कैसे लूटने वाले हैं. स्टॉल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months, और इतना चुरा लेते हैं एक ही बार में जिससे 12 months का इनका काम चल जाता है. एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट. और किसी एजेंट के थ्रू ये उन बुक्स को मंगवाते हैं जिनको ये लव करते हैं, प्यार करते हैं, जो इनको अच्छी लगती हैं. वेल नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, ही फेल्ट श्योर डैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स. अब नाउ, अब क्या होता है कि वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, जुलाई का महीना है, काफ़ी तेज ब्राइट सनशाइन है, सूरज की रोशनी है, तो ही फेल्ट श्योर, ये बिल्कुल श्योर हैं कि इस साल की रोबरी जो है इतनी ही सक्सेसफुल होने वाली है जितनी कि अदर ईयर्स की होती थी. यानी कि इस साल भी वो आसानी से क्या करेंगे, रोब कर पाएंगे किसी को. फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शूट ओवर ग्रैंस, लुकिंग एट इट्स रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन. तो ये क्या कर रहे थे बेटे, पिछले 2 weeks से स्टडी कर रहे थे एक घर की, और इस घर का नाम क्या है, शूट ओवर ग्रैंस. शूट ओवर नाम है इनका. ग्रैंस बेसिकली होता क्या है, फार्म हाउस जो होता है उसमें गार्डन साथ में अटैच होता है, डैट इज़ कॉल्ड ग्रैंस. यस, लुकिंग फॉर इट्स रूम्स. वो इसके रूम्स को लुक फॉर मीन्स सर्च, सर्च कर रहे थे इसके रूम्स को. इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रिक वायरिंग है गई हुई है, ताकि इसको इलेक्ट्रिसिटी का अलार्म वगैरह लगा हो, किसी भी तरीके की कोई अलर्ट इंस्ट्रूमेंट हो, ताकि उसको ये कट कर पाएँ और अपने आप को सेफ कर पाएँ. इट्स पाथ्स, ये उसके रास्ते आसपास के कहाँ से गुजरते हैं घर के. एंड इट्स गार्डन, उस और उसके गार्डन के बारे में. तो इससे क्या है कि एक चोर कहीं भी चोरी करने से पहले अपना वे आउट ढूंढता है कि उसको बाहर कैसे निकलना है. तो वो बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे थे हर पॉइंट ऑफ व्यू से इस शूट ओवर ग्रैंड की. वेल शॉर्ट ओवर दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स हु रिमेंड इन द ग्रैंड्स, सॉरी, वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन हैड गॉन टू द मूवीज. अब क्या होता है बेटे, इस आफ्टरनून को, जिस दिन ये इवेंट जो है टेक प्लेस होती है, तो क्या होता है कि दो सर्वेंट थे घर के जो ग्रैंड्स में ही रहते थे. तो जबकि फैमिली उन इस घर की पूरी लंदन में रहती थी, तो ये सर्वेंट्स भी कहाँ गए हुए होते हैं, हैड गॉन टू द मूवीज, मूवीज़ देखने गए हुए होते हैं. हॉरिस सो देम गो. हॉरिस ने उनको जाते हुए देखा है
and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. तो वो काफ़ी अच्छा महसूस करता है, हालांकि उनको थोड़ी सी टिकल हो रही थी, थोड़ी सी परेशानी हो रही थी. टिकल वैसे गुदगुदी को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी इरिटेशन हे फीवर को लेके उनकी नोज़ में. ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल. गार्डन की जो वॉल थी वहाँ से एंट्री करते हैं. हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक. जितने टूल्स की उनको ज़रूरत थी अपने काम को अंजाम देने के लिए, वो सारे बहुत ध्यान से वो एक बैग में डाल के अपनी बैग पे हैंग करके लेके आए हैं. देर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ जूल्स इन द ग्रैंड सेफ. वहाँ ग्रैंड सेफ में लगभग 15,000 pounds के वर्थ उसकी कीमत के जूल्स थे. जूल्स क्या होता है बेटे, गहने. इसकी प्रोनंसिएशन जो है वो ज्वेल्स नहीं होती, इसको आप नोटिस करें. ये क्या है, जूल्स. तो वो जूल्स जो थे, वो जो गहने थे ग्रैंड सेफ में, वो यस 15,000 pounds की वर्थ थी, उनकी कीमत थी. इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन, यदि उनको वो वन वन करके भी सोल्ड करते हैं, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट. तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एटलीस्ट क्या करेंगे, ही वुड एक्सपेक्टेड 5,000. यस, ही वुड एक्सपेक्ट एटलीस्ट 5,000. तो उनको 5,000 जो जो है वो आराम से मिल जाएंगे. यानी कि बार्गेनिंग भी यदि होती है तो वो 15,000 उसको ना मिले कंप्लीट, तो उसको 5,000 जो है ही वॉज एक्सपेक्टिंग ही वुड गेट, तो उसको आराम से मिल जाएंगे. इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर. और दिस अमाउंट वॉज इनफ फॉर हिम टू मेक हिम हैप्पी फॉर द होल ईयर. और ये अमाउंट उनके लिए काफ़ी था पूरे साल उनको खुश रखने के लिए. देर वर थ्री वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर द सेल इन द ऑटम. मीन्स उनको पहले से ही पता था, ही न्यू डैट बिफोर हैंड डैट थ्री वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स वर कमिंग फॉर द सेल इन द ऑटम सीजन. ऑटम में तीन नई इंटरेस्टिंग बुक्स आ रही थी सेल होने के लिए, बिक्री के लिए. वेल नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाई दैम. एंड डैट्स वाई ही वॉन्टेड टू स्टील द मनी फॉर बाइंग दोज बुक. तो वो उन किताबों को ख़रीदने के लिए क्या करना चाहते थे, वो पैसा चाहते थे. तो ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन द हुक आउटसाइड. ओके, तो वो क्या करते हैं, हाउस कीपर को देख लेते हैं कि हाउस कीपर ने हैंग की हैं, टांगी हैं क्या की टू द किचन डोर. किचन डोर पे टांगी है, एक हुक था वहाँ पे आउटसाइड किचन के बाहर, वहाँ पे हैंग की हैं. वेल ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स. बहुत केयरफुली क्या करते हैं, ग्लव्स को पहनते हैं एक पेयर को. एंड टुक द की को वहाँ से लेते हैं. एंड ओपन द डोर, और दरवाजे को खोल लेते हैं. ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगर प्रिंट्स. ही वॉज ऑलवेज सो केयरफुल. ही वॉज ऑलवेज केयरफुल इनफ सो डैट नो बडी कुड नो अबाउट हिज फिंगर प्रिंट्स. तो बेटे इतनी क्लीनिनेस से काम करते हैं, इतनी सफाई से काम करते हैं वो, कि ताकि इतने क्लेवर मैनर से काम करते हैं ताकि कोई जान ना पाए, यानी कि उनके फिंगर प्रिंट्स हो वो कहीं रह ना जाएँ. वेल अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन. एक छोटा सा डॉग होता है वो किचन में बैठा हुआ होता है. इट स्टार्ट मेड अ नॉइस एंड मूव इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे. तो यस, वो थोड़ा सा हलचल होती है उसमें डॉग में, जैसे ही ये खोलते हैं दरवाजे को तो उससे शोर होता है और वो अपनी टेल को हिलाता है बहुत ही फ्रेंडली तरीके से. अब क्या कहते हैं हॉरिस, ऑल राइट शेरी, हॉरिस सेड एज ही पास्ट. जैसे ही हॉरिस उसके पास से गुजरते हैं तो क्या कहते हैं, ऑल राइट, सब ठीक है शेरी. ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव. कहते हैं यदि डॉग्स को हैंडल करना है तो आप उनके एग्जैक्ट नेम से उनको पुकारिए, तो वो आपको थोड़ा सा उनको प्यार दिखाइए, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ ये नॉन पर्सन है. वेल द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग. अब सेफ, ये तिजोरी कहाँ थी बेटे, ड्राइंग रूम में थी और बहुत ही एक पुअर सी पेंटिंग थी उसके पीछे थी. हॉरिस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स. अब हॉरिस को ये एक बार थोड़ा सा लालच हुआ
वो वंडर हो जाता है कि एक मोमेंट के लिए, एक पल के लिए, कि उसको ये पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए बुक्स की बजाय, यानी कि उसको बुक्स कलेक्ट करनी चाहिए या पिक्चर्स। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन उसको लगा कि शायद पिक्चर्स जो हो वो ज़्यादा जगह घेरती हैं, क्योंकि बेटे पेंटिंग्स ड्राइंग्स भी काफ़ी महंगी बिकती हैं। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, तो उसको लगता है कि उसके पास एक छोटा सा घर है तो वो बुक्स को ही क्या कर सकती हैं, आराम से अफोर्ड कर सकती हैं, कर सकता है उसका रूम। वेल, देर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, एक बड़ा सा बॉल रखा था और उसमें फ्लावर्स थे टेबल के ऊपर। एंड हॉरिस फेल्ट हिज नोज टिकल, मीन्स अब हॉरिस जो है क्या हुआ, उसकी नोज में फिर से वही टिकल हे फीवर की। एंड ही गेव अ लिटल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और एक छोटी सी स्नीज आती है, एक छींक आती है इनको, और अपने बैग को ही नीचे रखते हैं। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, बहुत ही ध्यान से अपने टूल्स को अरेंज करते हैं। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, अब शो जो हो वो 4 आवर्स का था मूवीज़ का, तो सर्वेंट्स जो हो वो कितनी देर बाद आने वाले थे, आफ्टर 4 आवर्स, 4 आवर्स के बाद। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, अब सेफ इसके लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं थी हॉरिस के लिए सेफ को खोलना, क्यों, आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, पूरी ज़िंदगी उन्होंने ताले बनाने में, तालों के साथ या सेफ्स के साथ ही तो गुजारी है, उनका प्रोफेशन ही यही था। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, और जो बर्गलर के लिए, चोरू चक्कू के लिए जो अलार्म लगा रखा था वो बहुत ही पुअरली बिल्ट था। ही वेंट इन टू द होल टू कट इट्स वायर, वो होल में जाके उसकी वायर को काट देते हैं। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगैन, तो बेटे ये वापसी आते हैं, फिर से स्नीजिंग करते हैं बड़ी तेज़ से, क्यों, क्योंकि फिर से उन्हीं फ्लावर्स की स्मेल जो है इनके नॉस्ट्रिल में जाती है और ये इरिटेटेड फील करते हैं। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, अब क्या लगता है हॉरिस को कि कितने स्टूपिड होते हैं लोग कि वो इतनी वैल्यूएबल चीज़ों को ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। हॉरिस थॉट, ऐसा इन्होंने सोचा, ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम, कि कैसे एक मैगजीन से उनको पता चला था, एक आर्टिकल आया था एक मैगजीन में, जिसने उस आर्टिकल में सब कुछ डिस्क्राइब किया गया था, इस घर का पूरा प्लान बताया गया था हर एक रूम का, और पिक्चर्स भी, पिक्चर जो थी इस रूम में उसके बारे में भी। द राइटर हैड इवन मैंशन डैट द पेंटिंग हिड ए सेफ, और जिस राइटर ने वो आर्टिकल लिखा था उसने यहाँ तक भी मेंशन किया था कि एक पेंटिंग है उस रूम में और उसके पीछे सेफ है, तिजोरी हिडन है। वेल, बट हॉरिस फाउंड डैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन हॉरिस के लिए जो हिंड्रेंस, जो प्रॉब्लम बन रहे थे, जो उसको स्टॉप कर रहे थे, तो वो क्या थे, वो फ्लावर्स थे, जिससे उनको क्या हो रहा था, टिकल हो रही थी नोज में। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, रुमाल में अपने फेस को वो ढक लेते हैं, बरी कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, अब फिर उनको एक आवाज़ आती है डोरवे दरवाजे से, व्हाट इज़ इट, ये क्या है, अ कोल्ड और हे फीवर, आपको कोल्ड हुआ है या आपको हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक हॉरिस सेट हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगैन, वो कुछ सोच पाते हॉरिस उससे पहले उनके मुंह से क्या निकल जाता है कि हे फीवर है मुझे, और फिर दोबारा से उनकी स्नीजिंग जो है वो बिगिन हो जाती है। द वॉइस वेंट ऑन, वो आवाज़ फिर से आती रही, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, आप इसका इलाज कर सकते हैं, थोड़ी सी स्पेशल ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, एंड यू नो, तुम्हें पता भी है, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़, तुम्हें पहले ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा प्लांट है जिसकी वजह से तुम्हें ये प्रॉब्लम है, ये डिजीज़ है, ये बीमारी होती है। आई थिंक यू'ड बेटर सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, तो मुझे लगता है कि तुम्हें एक डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए यदि तुम अपने काम को लेके सीरियस हो तो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, अभी अभी मुझे आवाज़ सुनाई थी, मैं टॉप ऑफ हाउस पे थी वहाँ से, कि यस समबडी इज़ देयर डाउन स्टेयर्स, कि कोई है नीचे। वेल यस, हियर आर टू क्वेश्चंस फॉर अस, ये क्वेश्चन जो है हमें क्या करने हैं बेटे, फाइंड आउट करने हैं, तो लेट अस रीड आर क्वेश्चन।
हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस टैंपी, हु इज स्पीकिंग टू, कौन बोल रहा है यहाँ पे हॉरेस टैंपी से, ये किसकी आवाज़ थी जो हम सुन रहे थे पीछे बैकग्राउंड में। हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, और इस कहानी में वास्तव में कल्प्रिट कौन है, यानी कि दोषी कौन है, वास्तव में चोर कौन है। वेल सी फर्दर बेटे, इट वॉज अ क्वाइट क्वाइट काइंडली वॉइस, ये बिल्कुल शांत और काइंडली, बहुत ही प्यार दयालुता से भरी हुई एक वॉइस थी, एक आवाज़ थी, बट वन विथ फर्मनेस इन इट, लेकिन उसमें एक कहीं ना कहीं फर्मनेस थी, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग पिच थी, स्ट्रॉन्ग टोन थी वो। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, एक औरत खड़ी थी डोरवे में, और शेरी मीन्स वो छोटा सा डॉग कुत्ता, वो क्या कर रहा था, उसके अगेंस्ट रब कर रहा था अपने आप को। शी वॉज यंग क्वाइट प्रेटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, तो बेटे वो यंग लेडी थी, बहुत ही खूबसूरत थी और रेड ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी। ये लेडी का डिस्क्रिप्शन है उनकी पर्सनैलिटी का, यू हैव टू कीप इन माइंड। शी वॉक टू द फायर प्लेस, वो फायर प्लेस तक वॉक करते हुए आती हैं, एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर, वो सीधा जहाँ पे ऑर्नामेंट्स यानी कि वो ज्वेलरी रखी थी, वो जो गहने थे, वहाँ तक सीधी आती हैं। डाउन शेरी सी सैड, वो कहती शेरी डाउन, काम डाउन, एनी वन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, एनी वन वुड थिंक, किसी को भी लगा होगा कि शायद मैं 1 महीने के लिए बाहर हूँ। शी स्माइल्ड एट हॉरिस, हॉरिस की तरफ स्माइल करते हुए। वेल एंड वेंट ऑन, और फिर से बोलती रहती हैं, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, चलिए मैं बिल्कुल सही समय पे आ गई, एंड थॉट आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, और मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं एक बर्गलर यानी कि एक लुटेरी पर्सन से मिलने वाली हूँ। हॉरिस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज एट मीटिंग हिम, अब हॉरिस को थोड़ी सी उम्मीद नज़र आई, क्यों, क्योंकि ये लेडी ऐसी नज़र आ रही थी मानो अम्यूज हैं ये, फिर भी उसकी बातों में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रही हैं। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, तो उसको लगा कि शायद वो परेशानी से बच सकते हैं यदि उसको राइट तरीके से हैंडल कर पाएँ तो। ही रिप्लाइड, तो हॉरिस बहुत ही ध्यान से रिप्लाई करते हैं, आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे कोई फैमिली मेम्बर्स जो है यहाँ पे मिल जाएगा। वेल शी नॉडेड, हाँ वो नॉड करती है, हाँ मैं सिर हिलाती है, आई सी वट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, हाँ कितना इनकन्वीनियंस है, सुविधा हुई होगी तुम्हें मुझसे मिलके। वट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले हो। हॉरिस सेड माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, मेरा पहला विचार तो भाग जाने का है, यानी कि अब मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू डैट, हाँ तुम ऐसा तो कर सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन तो कर दूँ, तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूँ, दे वुड गेट यू एट वंस, वो तुम्हें एट वंस यानी कि तुरंत यहाँ से क्या करेंगे, ले जाएंगे। वेल हॉरिस सेड, हॉरिस क्या कहता है, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन, कहता है कि हाँ, मैंने पहले ही क्या किया हुआ है, टेलीफोन वायर्स को कट किया हुआ है, और देन फिर मैंने घर में क्या की है, एंट्री की है। ही हैजिटेटेड, अब थोड़ा सा हैजिटेट करते हुए, क्या, अ स्माइल ऑन हिज फेस, थोड़ी सी स्माइल थी उनके चेहरे पे। आई वुड मेक श्योर डैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, कहता है इतना तो मैं इंतजाम करके आया हूँ कि कुछ समय के लिए तुम कुछ ना कर पाओ, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, और कुछ घंटे मेरे लिए काफ़ी हैं यहाँ से भागने के लिए और निकलने के लिए, बच निकलने के लिए। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, उसने जो है उस लेडी ने सीरियसली देखा उसको, यू वुड हर्ट मी, यानी कि तुम मुझे अब हर्ट करने वाले हो, चोट पहुँचाने वाले हो। हॉरिस पॉज्ड एंड देन सेड, हॉरिस थोड़ा सा रुकते हैं फिर कहते हैं, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू एंड आई सेड दैट, नहीं मुझे लगता है कि केवल मैं तुम्हें डरा रहा था ऐसा कह के। यू डिडंट फ्राइटन मी, तो लेडी क्या कहती है, तुमने मुझे डराया नहीं है। हॉरिस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सो मी, लेट मी गो, हॉरिस क्या सजेस्ट करता है, बेटर यही होगा कि तुम भूल जाओ कि तुम मुझे मिली हो और मुझे भी जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, अब उस आवाज़ में थोड़ी सी शार्पनेस आ जाती है, वाई शुड आई, ऐसा क्यों, यानी कि मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ,
यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम तो मुझे लूटने वाले थे. इफ़ आई लेट यू गो, यदि मैं तुम्हें जाने दूंगी तो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तुम किसी और को रॉब करोगे. सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, सोसाइटी को बचना ही चाहिए तुम्हारे जैसे लोगों से, यानी कि तुम्हारे जैसे लोग जो हैं सोसाइटी में हार्म पहुंचाते हैं, तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए. हॉरिस स्माइल्ड, हॉरिस थोड़ी स्माइल देते हुए. आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं उस तरीके का आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी के लिए थ्रेटन है, खतरा है. आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि मैं केवल उन लोगों से चुराता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा है. आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और मैं बहुत अच्छे रीज़न के लिए चुराता हूँ. एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे प्रिजन के थॉट से भी, विचार से भी क्या है, नफरत है. वेल शी लाफ्ड, वो हंसती है. एंड ही बैग्ड, और वो दया याचना करता है. थिंकिंग दैट ही हैड परसुएटेड हर, और कहीं ना कहीं वो माइंड में क्या सोच रहा है कि ही वो सक्सेसफुल टू परसुएट दिस लेडी, कि इस लेडी को वो मना पाया है, यानी कि उसको थोड़ा सा अपने फेवर में कर पाया है. लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनी थिंग, बट आई एम डेस्परेट. हालांकि मेरे पास कोई राइट नहीं है तुम्हें कुछ पूछने का, लेकिन मैं बड़ी डेस्परेट हूँ, उतावली हूँ. किस चीज़ के लिए? लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगैन, आई रियली मीन इट. तो मुझे, मैं प्रॉमिस करता हूँ मुझे यहाँ से जाने दो, यानी कि मैं इस आज के बाद कुछ नहीं करूँगा. तो ऐसा क्या कौन कहते हैं ये? हॉरिस डैनबी. तो ये कहते हैं, हालांकि मुझे राइट नहीं है तुमसे पूछने का, लेकिन फिर भी मैं ये बात पूछ रहा हूँ तुमसे कि मुझे आज यहाँ से जाने दो, आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा. शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, वो साइलेंट थी, उसको बहुत क्लोजली वॉच कर रही थी. देन शी सेड, फिर वो कहती हैं कि यू आर रियली एफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, आरंट यू, तुम वाकई में डरे हुए हो प्रिजन जाने के लिए, क्या वास्तव में ऐसा नहीं है? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, तो वो उसके पास आती है उन और अपने हेड को शेक करते हुए, ऐसे हिलाते हुए. आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे जो लोग गलत होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं. शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सीक्रेट फ्रॉम इट, वो सिल्वर बॉक्स रखा हुआ है सिल्वर बॉक्स टेबल पे, उसको उठाती हैं, उसमें से एक सिगरेट लेती हैं. हॉरिस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सीक्रेट लाइटर. तो बेटे हॉरिस जो है बहुत ही ईगर हो के, उत्सुक हो के, उनको खुश करने के लिए, ये देख के कि शायद वो उसकी कुछ मदद कर सकता है, तो ग्लव्स उतार के अपना सीक्रेट लाइटर जो है क्या करते हैं, उन लेडी को ऑफर करते हैं. वेल यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर, वो अपना लाइटर उनके फेस की तरफ, यानी कि सिगरेट की तरफ ले जाते हुए क्या कहते हैं, तुम मुझे पक्का जाने दोगी यहाँ से? येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ लेकिन यदि तुम मेरे लिए कुछ करो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें जाने दूँ. एनी थिंग यू से, जो भी तुम कहोगे मैं करूँगा. बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन, जब हम लंडन के लिए निकले, आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई जूल्स टू आर बैंक, मैंने प्रॉमिस किया था अपने हस्बैंड को कि हम जूल्स को बैंक में रखेंगे. बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, मैं लेकिन मैंने इन गहनों को सेफ में ही रख दिया. आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट, और आज मुझे ये गहने कहाँ पहनने हैं, एक पार्टी में. सो आई केम डाउन टू गेट देम बट डॉट डॉट डॉट, यानी कि मैं आज इन्हीं गहनों को लेने के लिए आई थी, लेकिन अब वो अपनी बात को पूरा नहीं करती. हॉरिस स्माइल्ड, हॉरिस जो है वो स्माइल करते हुए. यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, ओके, तो तुम नंबर्स भूल गई हो सेफ को खोलने का, हैवंट यू, क्या ऐसा ही है ना? यस रिप्लाइड द यंग लेडी, तो ये यंग लेडी जवाब देते हुए कि हाँ. जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव दम विद इन एन आवर, ये काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, 1 घंटे में आपको गहने मिल जाएंगे. बट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे आपकी सेफ को तोड़ना पड़ेगा. डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में तुम चिंता मत करो. माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ, मेरे हस्बैंड यहाँ अब 1 मंथ और नहीं आने वाले. एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेट बाय द टाइम, और इस सेफ को मैं उस समय तक क्या करा दूँगी, मैंट करा दूँगी, यानी कि ठीक करा दूंगी. वेल सी फर्दर, एंड विद एन आर हॉरिस हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे में हॉरिस ने उस सेफ को ओपन कर दिया.
गिवन हर द जूल्स, उसको जूल्स देते हुए एंड गॉन हैप्पीली अवे, उनको जूल्स दे के वहाँ से हैप्पीली चले गए। फॉर 2 डेज ही कैप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। अब 2 दिन के लिए तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया था उन लेडी को कि वो बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वॉन्टेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। तो थर्ड मॉर्निंग को ये सोचते हैं कि हो, इन्होंने तो वो बुक्स तो चाहिए और वो बुक चाहिए तो इनको कोई और सेफ तो जो है वो सर्च आउट करनी पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। लेकिन अपने प्लान को शुरू करने का भी चांस इनके पास नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बाय नून अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द जूल रैप रॉबरी एट शॉट ओवर ग्रैंड्स। तो नून तक, दोपहर तक जो है पुलिसमैन ने इनको अरेस्ट कर लिया जूल्स की रॉबरी के लिए, जो शॉट ओवर ग्रैंड्स में रॉबरी हुई थी उसके लिए। हिज फिंगरप्रिंट्स, फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, वर ऑल ओवर द रूम एंड नो वन बिलीव्ड हिम वट ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। अब उनके फिंगरप्रिंट्स थे हर जगह घर में, और क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्लव्स के बिना ही सब कुछ ओपन किया था और हर रूम के हर कोने में उनके फिंगरप्रिंट्स थे, और कोई भी उनके बात पे यकीन नहीं कर रहा था कि इस घर की ऑनर की जो वाइफ थी उन्होंने खुद उनको कहा था कि वो उनके लिए सेफ को ओपन करें, तिजोरी को खोलें। द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60। अब जो वाइफ थी ऑनर की वो कौन थी? वो बेटे ग्रे हेयर्ड, वाइट बाल हो चुके थे उनके, और शार्प टंग्ड वुमेन, बहुत तेज तर्रार बोलने वाली वुमेन थी 60 की एज की। एंड सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस। और जब उनको कहा गया कि उन्होंने कहा था, तो उन्होंने क्या बोला उस उन लेडी ने? तो कहा कि ये बहुत ही नॉनसेंस, बहुत ही बकवास, स्टूपिड बात है, मैंने कब कहा था, मैंने कुछ नहीं कहा। यानी कि वो जो लेडी थी वो यंग थी, और यहाँ ये ग्रे हेयर्ड और शार्प टंग्ड वुमेन है 60 की। हॉरिस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब हॉरिस जो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन है प्रिजन में। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज एंड हु ट्रिक्ड हिम। अब वो अक्सर उस चार्मिंग ब्यूटीफुल अट्रैक्टिंग वूमेन के बारे में सोचते हैं जो इतनी क्लेवर थी और यंग लेडी थी, और वो भी सेम प्रोफेशन में थी जिसमें वो थे, जिससे उसने क्या किया था, उसको ट्रिक किया था, उसको जाल में फंसा लिया। यानी कि जिस वुमेन ने उसको लूटा वो खुद भी क्या थी बेटे, बर्गलर थी, चोर थी। ही गेट्स वेरी एंग्री वैन एनी वन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। तो उनको बड़ा गुस्सा आता है जब जब कभी भी कोई क्या बात करता है कि आपस में ऑनर, सम्मान की भावना होती है चोरों के बीच में। यानी कि वहाँ एक चोर ने दूसरे चोर को क्या नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया, उस लेडी ने रिस्पेक्ट नहीं किया। वो वहाँ पुलिस को क्या करके सूचना दे के भाग जाती है, और हॉरिस जो है वो पकड़े जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ योर लेसन वॉज बेटे। आई होप यू हैव इंजॉयड द स्टोरी। इट वॉज लवली, ब्यूटिफुल एंड स्वीट स्टोरी। यस, इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज़ आर ग्लॉसरी, एंड यू आर गोइंग टू राइट दीज वर्ड मीनिंग्स इन योर कॉपीज, एंड देन यू विल लर्न दीज। यस, हियर आर सम क्वेश्चंस। वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस एंड मैसेज ऑफ द थीम, मैसेज एंड थीम ऑफ द लेसन्स लेटर ऑन इन आर ऑनलाइन सेशन। एंड गाइज, यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड विच आई ऑलवेज से, यस, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस बेटे। लाइफ में सफलता हासिल करनी है तो हार्ड वर्क करना है आप लोगों ने। ओके गाइज, हैव अ नाइस टाइम।